Hey guys, welcome back to another video. My name is Anuradha और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच. और हाँ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज. तो आज का वीडियो है नायका सुपर समर सेवर डेज के ऊपर. ये हमारे चैनल का फर्स्ट हॉल वीडियो रहेगा, सो प्लीज सपोर्ट करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. सारे प्रोडक्ट्स की MRP प्राइस एंड ऑफर प्राइस उसके नाम के साथ मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, सो चेक आउट. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो द फर्स्ट थिंग इज नायका ब्रेक मी अप फेस प्राइमर. ये आपकी स्किन को टोन, स्मूथ एंड परफेक्ट बनाएगा. सो द नेक्स्ट थिंग इज फाउंडेशन. मैंने मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है इन शेड 310 सनरिच. एक्चुअली ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद आया. ये मेरी सेकेंड बॉटल है. इस प्रोडक्ट इज ब्रॉन्जर. ये शुगर कॉस्मेटिक का कॉन्टर डीप पोर्स मिनी ब्रॉन्जर इन शेड 02 ओडी वंडर. इसका शेड ऐसा है, बहुत अच्छा है बट मेरे स्किन के लिए थोड़ा सा लाइट है. तो अगर किसी की स्किन मेरी मुझसे थोड़ी सी लाइट है तो उनके लिए ये परफेक्ट है. नेक्स्ट थिंग इज ब्लश. मेबेलिन फिट मी इन शेड वाइन. मेरी स्किन टाइप के लिए बहुत परफेक्ट है. बहुत अच्छा सा ये शेड है और ये मेरा सबसे फेवरेट आइटम है. देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर इन शेड 20 लाइट मीडियम. बहुत ही खूबसूरत सी ये लूज पाउडर है. बहुत स्मूथ एंड आपको मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करती है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाइलाइटर. मेबेलिन फिट मी मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन शेड मोल्टन गोल्ड. ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा और बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा सा हाइलाइटर मिल जाएगा. वेरी नाइस प्रोडक्ट. देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मस्कारा. ये मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा है. ये भी बहुत सही है और इसका जो ब्रश है वो कुछ इस तरह का है. ये आपकी लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करता है. कम कीमत में बहुत अच्छे मेबेलिन के प्रोडक्ट्स हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वही है. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आई शैडो पैलेट. ये नायका का पैलेट है इन द शेड बीच साइड पे. और आज मैंने जो ये आई लुक किया हुआ है ये इसको यूज करके ही किया है. एक्चुअली इस पूरा मेकअप मैंने सारी प्रोडक्ट्स यूज करके किया हुआ है. सो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम के ब्यूटी मेटल शो आई शैडो स्टिक्स. एक्चुअली प्रोडक्ट मैंने अभी तक खोला नहीं है, यूज भी नहीं किया है बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सी द पैकेजिंग बहुत अच्छी खासी है. और इसका शेड है ब्लश मूनलाइट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कंसीलर. दिस इज फ्रॉम LA गर्ल प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर शेड प्योर फिनिश. बहुत ही खूबसूरत सा कंसीलर है. अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ट्राई करना. एक्चुअली इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे इसलिए मैंने ये परचेस किया. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्राउ पेंसिल. दिस इज फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट माइक्रो ब्राउ परफेक्टर इन शेड कॉफी. एक्चुअली मेरी ब्राउज बहुत थिक है तो मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउ पेंसिल की जरूरत नहीं थी. सो मेरी ये बहुत परफेक्ट है. अगर किसी की लाइट है तो अपने हिसाब से आप शेड चूज करना. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नेल पेन. दिस इज फ्रॉम नायका इन शेड स्पाइस जिंजर. तो मैंने लगाई हुई है वो यही नेल पेंट है. सो बहुत खूबसूरत सा शेड है, न्यूड में है और मैट फिनिश है. सो ट्राई दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लिप प्रोडक्ट. दिस इज फ्रॉम एल्फ लिक्विड मैट लिपस्टिक इन शेड ब्लशिंग रोज. बहुत ही खूबसूरत सा लिपस्टिक है बट ये शेड मेरी स्किन टोन को मैच नहीं कर रहा है बट इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेकअप फिक्सर. दिस इज फ्रॉम पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर. एक्चुअली ये मेरे पूरे मेकअप किट का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है बट
बहुत ही खूबसूरत सा है। सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट इज काजल, दिस इज फ्रॉम नायका ब्लैक मैजिक काजल, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्मूथ भी बहुत ज़्यादा है और ये मुझे मेरे पूरे मेकअप किट के साथ फ्री मिला है, सो फ्री है तो और भी बहुत अच्छा है। सो आज के ऑल का लास्ट प्रोडक्ट है गार्नियर माइसिलर ऑयल इंफ्यूज क्लीनिंग वाटर। गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।